वंदे मातरम। मैं रवि चौधरी स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में रवि चौधरी तेरी मेरी बातें एंड लेट्स बिगिन तेरी मेरी बातें। लाल सिंह चड्ढा, ये फिल्म का आज तीसरा दिन है और ये फिल्म पिछले 3 दिनों में विवादों में घिरी हुई है। इस फिल्म ने पिछले 2 दिनों में 19 से 20 करोड़ का ही मात्र कलेक्शन किया हुआ है। जिस हिसाब से फिल्म की प्रोग्रेस चल रही है, मुझे नहीं लगता ये फिल्म 180 करोड़ जो उसका नॉर्मल बजट है उसको पार कर पाएगी। दोस्तों, ये फिल्म इतनी विवादों में घिर चुकी है कि अभी हाल में ही करीना कपूर जी ने कहा था कि जिसको जाना है वो जाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो जनता से अनुरोध कर रही है कि कृपया करके हमारी फिल्म को बॉयकॉट ना करें और इस फिल्म को देखें। इस तरीके से गिड़गिड़ाते हुए, जनता से अपील करते हुए कि फिल्म को बॉयकॉट ना करें, लेकिन जनता को सब कुछ पता है क्या सही और क्या गलत है। इन दिनों 15 अगस्त का माहौल चल रहा है और इस अमृतकाल के महोत्सव में अपनी फिल्म को बचाने के लिए आमिर खान जी क्या क्या नहीं कर रहे हैं। आमिर खान जी ने देशभक्ति दिखाते हुए अपने घर के ऊपर तिरंगा भी लहराया और उसके साथ फोटो खींच के उसको सोशल मीडिया पे शेयर भी किया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इन टोटकों से पता नहीं फिल्म चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, लेकिन इन तरीकों से देश में एक अवेयरनेस जरूर फैल रही है। लोग अब एकजुट होके सही और गलत का फर्क समझ पा रहे हैं और शायद ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप देश के हित में नहीं रहोगे, देश के लिए गलत और कुछ भी अंडसंड बोलोगे, तो देश में बैठे जो जनता है, जिसके हाथ में पावर है, वो जनता ही जनार्दन है, जनता ही भगवान है। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, अगर जनता जिसे बॉयकॉट करना चाहे तो वो बॉयकॉट होगा और जनता हमेशा सही चीज़ों के साथ है। अभी हाल में ही सिनेमा घरों के अंदर पब्लिक नहीं जा पा रही इस फिल्म को देखने के लिए भी, क्योंकि सिनेमा घर के मालिकों ने सारे शो को कैंसिल कर दिया है। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि लोगों में एक जो अवेयरनेस है सही चीज़ों को समझने की और गलत चीज़ों के अगेंस्ट खड़े होने की, वो लोगों में दिख रहा है। तो दोस्तों, बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए।